तो आज हम बात कर रहे हैं कि बड़े बच्चों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना क्यों जरूरी है और उन्हें किस तरह से किया जाए हम देखते हैं हैं अगर खाने के दौरान भी फैमिली मोबाइल में लगे हुए तो वो उस खाने को एंजॉय नहीं कर सकते हैं जो इतनी मोहब्बत से बनाया गया है सेकंड वो जो एक फैमिली टाइम होता है ना कि सब एक साथ खाने बैठ के गुफ्तु कर रहे होते हैं एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हैं अगर बच्चा आपसे कोई बात कहना चाह रहा है तो आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि पूरी तवज्जो के साथ और खुशी के साथ उसकी बात सुने इमोशनली उसके पास होना जरूरी है वो किसी तकलीफ में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है अगर आपको इसकी तकलीफ का नहीं पता तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी तकलीफे किसी और से शेयर करना शुरू कर देगा और आप उसके लिए इनरेलीवेंट हो जाएंगे बिल्कुल फिर आप उससे बात भी करना चाहेंगे ना आप दर, आप दोनों के दरमियान इतनी झिझक आ जाएगी कि वो आपसे बात भी नहीं करे बसमानी रहीम नाजिन मैं मोहम्मद ज़ुबैर वे साथ मौजूद हैं वजीह ज़ुबैर नाजिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं प्रॉब्लम्स भी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं लेकिन दो बातें होती हैं अगर अच्छी तरबियत की हो तो हमारी खुशियाँ भी बड़ी हो जाती हैं सुकून भी बड़ा होता है आसानियाँ भी बड़ी होती हैं और अगर तरबियत में कुछ कमी रह जाए कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो फिर मसाइल भी बहुत बड़े होते हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है जहाँ मसाइल हैं वहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकुल दी है कि उन मसाइल को वो हल भी कर सके तो हम आज ये बात करेंगे कि अगर बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं टीन एज में हैं या बड़े हो चुके हैं तो उनसे रिलेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए क्योंकि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होगा उस वक्त वो, वो आपकी बात नहीं मानेंगे आपकी बात उनके लिए बिल्कुल बेअसर होंगी तो आज हम बात कर रहे हैं कि बड़े बच्चों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना क्यों ज़रूरी है और उन्हें किस तरह से किया जाए तो भी आप बताएं बड़े बच्चों से रिलेशन को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या उनसे अपनी बातें कैसे मनवाना चाहिए या उनसे काम कैसे करवाने चाहिए तो देखिए इसके लिए हम आपको बताएंगे पांच बातें जिन पे अमल करके आप अपने बड़े बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं अच्छा बड़े बच्चों से कनेक्शन ना होने की या बड़े बच्चे बात नहीं सुनते इसकी वजह क्या होती है आपके ख्याल में असल में सबसे बड़ी वजह ये होती है मुझे ये फील होता है कि बच्चों की डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाती है माँ बाप के ऊपर उनको लगता है कि अब हमें माँ बाप की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बल्कि उनको लगता है हमें माँ बाप की जरूरत ही नहीं है जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लगता है कि मेरी माँ ही सब कुछ है आहिस्ता आहिस्ता उसको रियलाइज होता है कि नहीं बाप भी कुछ होता है फिर उसको लगता है कि नहीं बहन भाई की भी जरूरत है फिर उसको लगता है कि टीचर ही सब कुछ है लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना टीन एज में आता है और टीचर्स भी बाजू बाज ऐसा मिल जाते हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट नहीं होते या जो आजकल का दौर है बच्चे बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से हासिल कर लेते हैं बहुत सारी जगह पर उनको लगता है कि उनके टीचर आउटडेटेड हैं फिर उनको क्या लगता है उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो जानता है वो है मेरा दोस्त hmm. सबसे ज़्यादा जानती है वो है मेरी दोस्त वो मुझे सही जवाब दे सकती है और मैं उससे पूछूंगी तो वो जवाब मेरे खुशी खुशी देगी मेरे सवालत को भी इंजॉय करेगी और मुझे जवाब भी खुश होकर देगी माँ बाप से मैं मेरे सवाल डिस्कस भी नहीं कर सकती और फिर माँ बाप जिस तरह की बातें करते हैं माँ बाप अब नहीं रहे तो इसलिए उनको लगता है तो बच्चों को ये फील होता है कि माँ बाप हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं जब वो ये फील करते हैं कि अब हम माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं रिलेशन कमजोर हो जाता है रिलेशन कमजोर हो जाता है, है, है तो फिर बात भी नहीं मानते अब अगर रिश्ता कमजोर पड़ गया तो क्या करें पहली बात है हिम्मत ना हारें Hmm. देखिए ना आज जिन जैसे से बच्चे बड़े होते हैं उस ने से कहा कि वो आपको डिपेंड करना कम कर देते हैं जब वो डिपेंड नहीं करते तो वो आपकी बात भी नहीं मानते हैं अब आजकल के बड़े बच्चे जब पेरेंट्स को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो उनकी बातों तो का सीरियस लेंगे <laughs> अब आप उनसे काम कहेंगे वो मना कर देंगे या बहुत से बच्चे तो मना करते ही नहीं है लेकिन काम भी नहीं करते बिल्कुल सही बात है तो अब ऐसे में क्या किया जाए इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है मतलब आखिर में माँ जो ना वो परेशान हो कहती है भाई मैं खुद ही कर लूंगी काम या बाप भी कहेगा जो बाहर काम है ना मैं खुद कर लेता हूँ छोड़ो इससे नहीं कहो अब इससे क्या होता है बच्चे को और शेय मिल जाती है वो कहता ठीक है मेरा रवैया ठीक है ये वाला मैं सुनूंगा ही नहीं तो मुझ पर कोई जोर ही नहीं होगा आपने हिम्मत नहीं हारनी है आपको लगता है काम बहुत जरूरी है मेरे बच्चे के लिए करना तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने उसके पीछे पड़े रहना है बल्कि हम तो कहते हैं इस एज में जब बच्चे इस तरह बात नहीं सुनते हैं तो उनके सर पे खड़े होकर उनसे काम करवाएं बिल्कुल अच्छा बहुत से माँ बाप जो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं यानी जैसे कोई दरवाजे पे आया बच्चे नहीं आ रहे मैं खुद जा रही हूँ जब बाहर से कुछ चीज लेकर आनी है तो मैं खुद जा रही हूँ कहा मेरा मेरी चादर का है मेरा माया कहा है तो बच्चे बड़े शुरू में ब्लैकमेल होते हैं लेकिन तो आहिस्ता आहिस्ता उनको लगता है कि जाने लग उनकी वैल्यू कम हो जाती है जब आप बार बार धमकियां देते हैं बार बार डराते हैं तो आपको खुद नहीं करना बच्चे को करना है तो बच्चे से ही करवाना है तो इस बात का ख्याल रखिए कि हिम्मत नहीं हारिए जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं अब वो थोड़ी मुश्किल से बात को समझेंगे जितना छोटा बच्चा होता है उसको समझाना उतना आसान होता है तो ये पहला पॉइंट याद रखिए हिम्मत हरगिज़ मत हारिए लगे रहिए और आपको कुछ अरसे के बाद रिजल्ट मिलना शुरू रहेंगे लेकिन डरे बगैर गुस्सा किए बगैर जज्बाती हुए बगैर अक्ल इस्तेमाल करते हुए आपको उसके पीछे पड़ना है अगर आप डर गए हिम्मत हार गए परेशान हो गए तो इसका मतलब है आपने अपना सारा पावर लूज कर दिया अब बच्चा आपकी बात नहीं सुनाएगा जी वजय हम्म और अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ दूसरी बात है मौजूद रहें यानी आपने मौजूद रहना है बच्चे के पास फिजिकली भी और इमोशनली भी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में भी रुझान बढ़ता जा रहा है प्राइवेसी का यानी बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं अब अगर उनका रूम अलग है तो वही अपना रूम ब्लॉक करके बैठे हुए हैं नहीं हमें प्राइवेसी चाहिए इसके अलावा पेरेंट्स भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स को भी प्राइवेसी की अब ज्यादा फिक्र होने लगी नहीं हमारी अपनी लाइफ है हम हमारी अपनी प्राइवेसी है होनी चाहिए लेकिन ये प्राइवेसी इतनी ना बढ़ जाए कि आप एक दूसरे के लिए गैर हो जाएं वो कहते हैं ना जितना आमना सामना कम होता है इतना ही आपका कनेक्शन कम होता है बिल्कुल तो आपको अपने बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद होना चाहिए, चाहिए। अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं तो फिजिकली मौजूद नहीं होता है अबा जो है वो आते हैं आने के बाद जो है वो अपने दोस्तों में निकल जाएंगे या आते ऐसे टाइम पर उनकी टाइमिंग ऐसी है कि बच्चों से आमना सामना कम होता है अम्माएँ भी किचन में लगी होती हैं अपने कमरे में होती हैं या फ़ोन पर होती हैं तो वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होती और अगर फिजिकली अवेलेबल है तो इमोशनली और मेंटली अवेलेबल नहीं होती hmm. यानी वो अपने कामों में इतनी ऑक्योपाइड होती हैं कि बच्चे की बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं होता बच्चे की बातें उन्हें इरिटेट कर रही होती हैं तो अगर आप इमोशनली मौजूद नहीं हैं आप मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड हैं या आप अपने घर के कामों में ज्यादा कनेक्टेड हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हम आपके मोबाइल को छेड़ने वाले नहीं है और ना हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके काम गैरहम है हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को रोज आना, ट्वेंटी मिनट्स अनडिवाइडेड अटेंशन देना ये बहुत जरूरी है या अगर बच्चा आपसे कोई बात कहना चाह रहा है तो आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि पूरी तवज्जो के साथ और खुशी के साथ उसकी बात सुने इमोशनली उसके पास होना जरूरी है वो किसी तकलीफ में हो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है अगर आपको इसकी तकलीफ का नहीं पता तो आहिस्ता आहस्ता वो अपनी तकलीफे किसी और से शेयर करना शुरू कर देगा और आप उसके लिए इेलीवेंट हो जाएंगे बिल्कुल फिर आप उससे बात भी करना चाहेंगे ना आप दर, आप दोनों के दरमियान इतनी झिझक आ जाएगी कि वो आपसे बात भी नहीं करेगा खासतौर पर बाप के मामले में ज्यादा होता है माँ तो फिर भी चले किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लेती है लेकिन फिर भी बेटियां बाजो माँ से चीजें शेयर करना छोड़ देती हैं बेटे अपने अपनी माँ से अपने बाप से चीजें शेयर करना छोड़ देते हैं क्यों क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे दूर हो गए थे अगर आप बहुत दूर हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ जाइए स्टेप बाय स्टेप ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है कल जाके घरे लगा लें उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल सही कहा और इसके साथ साथ प्राइवेसी वाला माहौल घर में नहीं होना चाहिए कि हर बंदे को अपनी प्राइवेसी की फिक्र लग जाए देखिए असल में ना हम बच्चों को अपने से दूर किस तरह से करते हैं हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे तो वो कहना है कि मेरा बेटा जो है असर से मगर के दरमियान का टाइम था वो गया अपने कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके लेट गया मैंने उसको बुलाया गुस्से से बड़े अच्छे इंसान है वो कि मैंने गुस्से से कहा कि तुम क्या कमरे में लेटे हो कोई नशा वशा करने लगे हो ये कोई टाइम है जाके लेटने का तो फिर वो उठ के आया तो बाकी छोटे भाई जो भाई थे बहनें थी उन्होंने भी सुन लिया सबको ये मैसेज मिल गया लाउड एंड क्लियर कि दिन के टाइम में आपको जो आ, सोने का टाइम नहीं है उसमें आपको जरूरत नहीं है कमरे में जाए अकेले जाके लेट जाए एक अच्छी सी रूटीन होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि दरवाजा बंद करके अब अंदर क्या कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए कि किस कमरे में क्या हो रहा है बच्चे जो है वो कब पढ़ रहे हैं कब खेल रहे हैं तो प्राइवेसी प्राइवेसी के चक्कर में चीज़ों को ख़राब मत कीजिए बिल्कुल अच्छा बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के अंदर प्राइवेसी बहुत ज्यादा रहती है मोबाइल में प्राइवेसी है तो वहां से प्राइवेसी ट्रांसफर होती है नीचे अगर आपने शुरू से कल्चर रखा हुआ है कि भाई हमारा मोबाइल है बिल्कुल एक दूसरे के लिए ओपन है हमारे मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हमें छुपाना पड़े मियाँ बीवी जब एक दूसरे चीज़ छुपाते हैं तो बाजा अवतारत ये चीज़ ये माइंड सेट बच्चों में आ जाता है और बाज़त जिस तरह के ड्रामे आ रहे हैं फिल्में आ रही हैं और दोस्त आ रहे हैं तो उसके बाद प्राइवेसी का रुझान बहुत बढ़ गया है जो बहुत हलाकत खैज़ है जो आपको तबाह बर्बाद कर देगा आपके रिश्तों को आपने बहुत ज़्यादा अगर प्राइवेसी प्राइवेसी मेरी चीज़ें मेरा टाइम मेरा कमरा मेरा मोबाइल मेरी डायरियाँ किसी को हक नहीं है ये जो ख़्याल है ना ये बहुत नुकसान पहुंचाता है दुनिया को पहुंचा रहा है आपको भी पहुंचाएगा चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए खैर बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि चीज़ें प्राइवेसी वाइस इस तरह से नहीं होती होती है प्राइवेसी मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे यूज़ करनी चाहिए इन्हें यूज़ करनी है कोई चीज़ें मेरी तो इनको मुझसे पूछ लेना चाहिए बच्चों को एक दूसरे से पूछ पूछ के इस्तेमाल करनी चाहिए एक दूसरे की चीज़ों को बग़ैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं क्या होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इंसान को पता होता है जो ने ने? मेरी हैं और जिसमें मेरे मेरे तो वो मे, मेरे पास ही होनी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी होती है जिसमें प्राइवेसी होना चाहिए ये बात सबको पता होती है खैर जी तो हम आते हैं तीसरी बात की तरफ स्क्रीन का छोड़ दें हम इतना देख रहे हैं कि जब खातिन की कॉल्स आती है हमारे पास तो उन्हें शिकायत होती है कि मर्द मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते हैं वो दिन ऑफिस में होते हैं घर आते हैं तो घर आने के बाद भी उन्हें मोबाइल चाहिए होता है अच्छा जब मर्दों से बात होती है तो उनको भी ये शिकायत होती है कि बीवी जो है वो तो फुल टाइम मोबाइल में लगी रहती है हम घर पहुंचते हैं जब तो वो किचन में काम कर रही है खाना खा रही है कोई भी काम है उस दौरान भी उसके हाथ में मोबाइल मुस्तकिल रहता है इसका मतलब क्या हुआ मोबाइल हमारे ज़िंदगियों में इतना आ चुका है कि अब उसमें कोई फर्क नहीं है कि कौन मर्द है कौन औरत है फिर बच्चे तो बच्चे हैं जब पेरेंट्स मोबाइल इतना इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी उसी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और जब आप इतना मोबाइल इस्तेमाल करेंगी तो बच्चों को टाइम कैसे देंगी वो जो फैमिली टाइम होता है वो कैसे हो सकता है आपकी सारी तवज्जो तो आपके मोबाइल पर है इसी तरह बच्चों की अपने मोबाइल पर होती है तवज्जो तो सही है मतलब मोबाइल आपको पता है कितना नुकसान दे हम सब जानते हैं इस पर मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल को टाइम दें हम आपको पता होना चाहिए कितना हो। खाना खाने बैठे हैं कोई मोबाइल इस्तेमाल ना करें हम बाज़ा देखते हैं सारे बैठे हुए मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसी तरीके से बाप घर में आ गया मोबाइल नहीं तो टी वी उसके पास रिमोट है उसके पास जरिए टाइम ये क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों को दे दीजिए आप आज टाइम नहीं देंगे कल रोते रहेंगे कि बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हमें हम हमसे बात ही नहीं करते फिर आपको एहसास होगा जब दूसरों के बच्चों को देखेंगे अपने बाप से बड़े कनेक्टेड हैं फिर फील होता है हमारा बच्चा तो हमसे कनेक्टेड ही नहीं है या माँ ने ऐसा काम किया है माँ ने बच्चे को बाप से दूर कर दिया ये शिकायतें होती हैं एक्सक्यूजेज होती हैं ये सब एक्सक्यूजेज हैं बच्चा अगर मुझसे दूर हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और बच्चा अगर इनसे दूर हो रहा है तो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल तो बहुत सारी कहती खातें हमारा बाप जो हमारे शोहर है वो आ, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो आके इस तरह से हमसे बात करते हैं फिर बच्चा भी ऐसी बात करता है तो हम कहते हैं कि आपके पास बच्चा कितना वह गुजारता है इतना बड़ा टाइम आपके पास है उसको मुतासर करने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने टाइम के अंदर उसको मुतासर नहीं कर पानी वो खुतन तो ऐसी होती हैं बच्चों से रिलेशन इस तरह मजबूत रखती हैं कि अगर शोहर कुछ कह रहा हो तो बच्चे चाहे सामने ना गए लेकिन अकेले में कहते हैं कि हम आपके साथ हैं हमदर्दी का इजहार करते हैं अल्फाज से नहीं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से खैर स्क्रीन टाइम का ख्याल रखिए

नेक्स्ट uh, पॉइंट हमारा ये है कि छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना हो hmm. नाजेन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं परेशानियां बढ़ती हैं लेकिन हर चीज के लिए परेशान होना बाज़ औकात मसाइल का सब बन जाता है यानी बच्चे ने कोई बात डिस्कस करनी चाहिए आपसे अब छोटी सी बात है उस पर इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं तो फिर जब कोई बड़े मसाइल होते हैं बच्चे फिर वो भी डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना हर इंसान की जो बुनियादी नीड है ये समझने की जरूरत है हमारे में ये बात नहीं समझी जाती है आजादी तो वो आजादी चाहता है तो अगर आप उससे कनेक्टेड है ना तो नाजायज तरीके से नहीं चाहेगा वो गलत काम करेगा का ही नहीं और आपने इतनी कदगने लगाई हुई है उसको इतनी रोक टोक की हुई है और आप उससे बात ही नहीं करते आपके रिश्ते में दरार आ चुकी है तो वो क्या करेगा वो आजादी हासिल करेगा और उसका बहुत गलत इस्तेमाल करेगा जो हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं बिल्कुल तो ये बस ये ख्याल रखिए कि बच्चा जो है जब बड़ा हो रहा होता है तो हर चीज परेशानी होना आपको दिमाग अपनी आंखें अपने कान खुले रखने बिल्कुल और उससे कनेक्टेड रहना है उसकी बातें सुने उसके मसाइल सुने उसके दोस्तों की बातें सुने उसकी चीजों पर नजर रखें आप उसको उसके हाल पे ना छोड़ें और ये हरगिज ना कहें हमें अपने बच्चों पे भरोसा है हाँ, ये इतना खतरनाक जुमला है तो अब ये बात याद रखिए चीजों के लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं है लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है बिल्कुल हम कहते हैं ना कि अच्छी पेरेंटिंग परेशान होकर आप कर ही नहीं सकते अगर आप परेशान हो गए इसका मतलब आप अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं तो समझ ही होंगे आपके परेशान नहीं होना है आपने अच्छा अब लोग कहेंगे बड़े मसाइल हैं बड़ी परेशानियां हैं तो अब उसके लिए क्या किया जाए तो देखिये जो बड़ी परेशानियां ना उन्हें ठंडे दिमाग के साथ आपने हल करना है यही हमारी पांचवी बात है कैसे जैसे अब अगर बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है या उसके अफेयर्स वगैरह हो गए हैं अब जाहिर सी बात है ये बात तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी है ना तो वो क्या करें तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप उसको नसीहतें करेंगे बिठा के उसको समझाएंगे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नसीहतें करने और समझाने के बजाय उसको मसरूफ करने की जरूरत है बिल्कुल अगर वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया खुदा उसने तो आप उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें जितना वो स्पोर्ट्स से क्लोज होगा उसके ड्रग्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे ऐसे ही अगर बच्चे खुदा हास्ता अफेयर वगैरह में पड़ गए चक्रों में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है अगर आपने उन्हें में आता आरोप देखिए उसको जब बच्चा बड़ा होता है ना उसको अटेंशन चाहिए ये हर, ये, ये आज की बात नहीं है ये सदियों से ऐसे ही हो रहा है इंसान की नफ्सिया ऐसी पाँच सौ साल पहले तो वो क्या बताया उसने यही बताया उसने के इंसान को तवज्जो चाहिए होती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है जवानी में कदम रख रहा होता है नौजवानी में कदम रखता है बल्कि अब उसको ज्यादा तवज्जो चाहिए तवज्जो उसको अगर नहीं मिलती तो वो उल्टी सी हरकतें करता है किसी से दोस्तियां कर लेता है तो आपको क्या करना है आपको ऐसे काम में लगाना है कि उसको अच्छी तवज्जो मिले उसकी जिंदगी में कामयाबी आने शुरू हो जाए उसको अच्छे लोग तवज्जो दें तो आप देखेंगे कि वो बुरी चीजों से खुद बखुद निकल आ जाएगा यानी आपको परेशान नहीं होना बड़े मसाइल छोटे मसाइल आपको बता दिया बड़े मसाइल हैं तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना बल्कि आपको उसको मसरूफ करना है जितना मसरूफ करेंगे उतनी जिंदगी आपकी और उसकी आसान और मजेदार हो जाएगी कोशिश करें उसकी जिंदगी में कामयाबियां आएंगे बिल्कुल ऐसे ही कामयाबियां इंसान को उसके कॉन्फिडेंस को बड़ा करती है उसको बुरी चीजों से रोकती है ऐसे ही है तो बस आपने कुछ नहीं करना अपने बच्चों को अपने से कनेक्ट करने के लिए इन पांच बातों पे आपने अमल करना है खास तौर पे हमने पहली बात की थी कि हिम्मत नहीं हारनी है तो उसके बाद हमने चार बातें की है ना तो उस पर आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करना है हिम्मत नहीं हारनी है परेशान नहीं होना है उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा इसके अलावा अगर हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश और तरब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रबा कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप अपने और अपने बच्चों की लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे प्लानर्स आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर राबता करके और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के मसाइल हैं बच्चों के हवाले से शरीक हयात के हवाले से या इन लॉज के हवाले से और आप कोचिंग करवाना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़